वेल हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी सुनेवल में स्वागत है। मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2022 का जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 2023 में कंडक्ट होगा, तो उसमें जो टोटल कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के नाम क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उन सभी कॉलेज के नाम वन बाई वन आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर जिस कॉलेज का नाम है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जबलपुर, और यहाँ पर भी जो सीट है वो है 7, मतलब कि 60। एंड सेकंड जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन। थर्ड में है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय देवास। फोर्थ में है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय सतना। फिफ्थ में है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय रायसेन। सिक्स नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय दतिया। सेवन नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय विदिशा। एट नंबर पर है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय झाबुआ। और नाइन नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय मंदसौर। नंबर टेन पर है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय छिंदवाड़ा। और नंबर इलेवन पर है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय बालाघाट। नंबर ट्वेल्व पर है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय सीधी। और नंबर 13 पर है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय राजगढ़। और फिर 14 नंबर पे जो है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय नरसिंहपुर। फ्रेंड्स, 15 मतलब कि 15 नंबर पर जिस कॉलेज का नाम है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय सिवनी। फिर अगला नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय रतनाम। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय खंडवा। एंड लास्ट में जो कॉलेज है उसका नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग महाविद्यालय अनूपपुर। तो फ्रेंड्स, मैंने 17 जो पहले के बोले, मतलब 17 जो कॉलेज है खंडवा तक के, जबलपुर से लेकर खंडवा तक, इन सभी कॉलेजेस में 60 सीटें हैं। टोटल मिलाकर होती है 1020 सीटें। एंड लास्ट में जो कॉलेज है अनूपपुर कॉलेज, इस कॉलेज पर जो है डीएचएस डिपार्टमेंट की 30 सीटें हैं। तो 1020 और इन 30 सीटों को मिलाकर टोटल सीट होती है 1050 सीट। तो जो 1050 है ये सिर्फ गवर्नमेंट मतलब कि डीएचएस डिपार्टमेंट की सीट हैं, जो कि 2022 की हैं। अब 2023 में इनका एग्ज़ाम होगा और जून में एग्ज़ाम होगा और जुलाई में इनका जो है एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जो डीएचएस डिपार्टमेंट की जो सीट थी, मतलब हमारे टाइम जो सीट थी वो थी ओनली 570, और अब जस्ट डबल सीटें हो गई। तो जो भी अब एग्ज़ाम देगा उस पर सीधे सीधे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और ईजिली मतलब कि कट ऑफ भी कम जाने वाला है, थोड़ा तो कम जाएगा कट ऑफ, तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो फरवरी में इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे एंड जून में एग्ज़ाम होगा। तो सभी आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बस अच्छे से तैयारी करिए। देन अगर पीएनएसटी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल।